अभी कुछ दिन पहले ना हम लोग एक दोस्त लोग के साथ जा रहे थे घूमने के लिए कहीं पर, तो भूख लग गया तो बगल में देखा है वो मैकडी नाम का दुकान जो कि सभी शहर में खुल जाता है, तो गए वहाँ पर कुछ खाने के लिए। तो वो क्या दिया खाने के लिए, तो आलू होता है ना उसको काट काट करके छान दिया था तेल में और ऊपर से नमक उमक छीट करके दे दिया था सामने में, और उसका नाम क्या बताया वो, ये बोला कि ये फ्रेंच फ्राई। बोले चलो भैया खा लेते ही है। उसका दाम पूछे तो बताया 50 रुपया, वो भी 100 ग्राम का आलू होगा उसको 50 रुपये में बेच रहा था। हम तो खा लिए उस टाइम में। फिर उसके बाद ना हम फोन लगाए किसको, तो हमारे जो रमेश्वर चाचा है ना गांव में खेती बाड़ी करते, उनसे फोन लगाए हम। अब पूछे कि चाचा आप जो इस बार आलू बेचे थे वो कैसे बेचे थे, तो वो बताए बबुआ इस बार तो 5 रुपये किलो बेचना पड़ा था आलू। तो समझिए 5 रुपये आलू को यहाँ 500 रुपये किलो आलू बना के बेच दिया है। रमेश्वर चाचा को 5 रुपया मिला, यहाँ पर मैकडी वाला जो दुकानदारवा था इसको 500 रुपया मिल गया। तो क्या होगा, इसी सब के लिए तो होता है ना किसान का आंदोलन। कुछ दिन पहले कर्नाटक का किसान सब आया था कहाँ पर, तो दिल्ली में बहुत अपने अलग तरीका से प्रदर्शन किए थे, तभी तो पूरा दुनिया कोई नहीं देखा था, ध्यानों नहीं दिए थे। वही चीज़ सब बढ़ते फैलते फैलते पूरा एमपी में फैल गया। अभी देखिए पूरा बवाल हो गया है, इतना बवाल हो गया है कि पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, 5 को किसान उसमें भी शहीद हो गए हैं। तो ये सब तो गड़बड़ चीज़ है ना। दोनों भी चीज़ बनाने वाला जो कंपनी होता है, मान के चले मोबाइलों को ले लीजिए, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, कंपनी को होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको होता है। उसी तरीका हम लोग जो चीज़ खाते हैं उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, किसान है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उसी को ना होना चाहिए भैया, उसको नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ तो होवे करेगा, पूरे सरकार को, सब राज्य सरकार केंद्र सरकार सबको मिल करके ना एक बहुत बड़ा जो है प्लान बनाना चाहिए, तभी इस चीज़ का समस्या का समाधान होगा। नहीं करिएगा तो बहुत और ही बढ़ते ही जाएगा। खैर सप्ताह में एक बढ़िया समाचार इस बीच में मिला है, कहाँ से, तो वहाँ से कश्मीर से। क्या हुआ है कि इस बीच में अपना सैनिक को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपना बहुते आतंकवादियों सबको मारे हैं और बहुत एनकाउंटर भी किए हैं, ये बढ़िया हुआ है। और इस बार पत्थरबाजी सबका भी वीडियो नहीं आया है, ये बढ़िया लगा। लेकिन हमको एक चीज़ ऐसा लगा है ना कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ का पत्थरबाज सब ना एमपी में शिफ्ट हो गया था और किसान वाला जो आंदोलन था उसमें घुस के वो लोग भी पत्थर चला रहा था, पता नहीं, अब चेक करने वाली बात होगा ये। हालांकि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, हम तो भैया पाकिस्तान का बेइज्जती देखबे किए तो उसको नहीं छोड़ पाए थे। बहुत आदमी कह रहे थे कि बायकॉट करें बायकॉट करें, हम तो नहीं कर पाए थे बायकॉट। लेकिन फिर उसके बाद एगो नुकसान हो गया, रावण के खानदान से अपन लोग हार गए वो लंका से। खैर छोड़िए आगे तो जीतबे करेंगे, कोनो टेंशन का बात नहीं है, एगो दुगो हारने से कोनो चीज़ दिक्कत नहीं होता है। फिर मिलते हैं बाद में, देखते हैं कोनो गप पे बतियाएंगे, तब तक के लिए आराम से मजे में रहिए। जय राम जी की।